हेलो क्लास सिक्स, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आई होप आपने एक्सरसाइज 12.1 बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर उसको अपनी फेयर नोटबुक्स में कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे, जो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो है रेशियो से ही रिलेटेड है, ठीक है। आप पहले यहाँ पर इसका छोटा सा इंट्रो लिखो। इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर कोई भी दो रेशियोज इक्वल होंगी ना, तो हम बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शंस में है, प्रोपोर्शन में है। सिंबल है प्रोपोर्शन का, ये चार डॉट्स, मतलब ये दो रेशियो और ये दो रेशियो, तो दो रेशियो और दो रेशियो का मिलाकर प्रोपोर्शन बन जाता है। इक्वल का साइन हम इक्वेट, मतलब किसी भी रेशियो को इक्वल करने के लिए इक्वल का साइन डालेंगे। एक एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर 3, 10, 15 and 25 are in ratio। इसको लिखना है हमने, प्रोपोर्शन में है ये रेशियो को, प्रोपोर्शन में हमने लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 3:10 प्रोपोर्शन 15:15। दो रेशियो जब प्रोपोर्शन में होंगे, दो रेशियो इक्वल होंगे, तब वो प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। क्लियर? दैट मीन्स 3:10 जो है इक्वल है 15:, ये 50 है, 50 के। क्लियर? कैसे? देखो, 3/10, 15/50, इसको डिवाइड करो, 15/50 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15, 5 10 50, तो 3/10 इक्वल्स टू 3/10। आई होप अब आप समझ गए कि जब दो रेशियो, ये एक रेशियो हो गई, ये दूसरी रेशियो हो गई, जब दो रेशियो इक्वल्स होंगे तो वो प्रोपोर्शन कहलाएंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। इस पूरी एक्सरसाइज में हम यही जो है करने वाले हैं, किसी को प्रोपोर्शन में लगाना है, किसी को रेशियो में लगाना है, तो इसमें हम यही करेंगे। और आपको एक चीज और बता दूं, जैसे 3:10 प्रोपोर्शन 15:50 था, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये नोट वाली बात है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है। आपको ना दो तरह से चीजें बताई गई हैं, एक्सट्रीम और मिडल रेशियो में, एक्सट्रीम और मिडल रेशियो का बताना है। तो एक्सट्रीम टर्म्स और मिडल टर्म्स में हम लिखेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी होगी, एक्सट्रीम टर्म के अंदर हम लिखेंगे ये वाली जो बाहर वाली होगी ना, ये वाली, ये एक्सट्रीम टर्म्स होंगी। क्लियर? ये जो बाहर वाली होंगी ये एक्सट्रीम टर्म्स होंगी, मतलब फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो होगी वो एक्सट्रीम टर्म होंगी। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो है एक्सट्रीम टर्म कहलाएगी। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म, मतलब 3, ये एक्सट्रीम में आ गए, कोई भी नंबर होगा इसकी जगह, ठीक है। और मिडल टर्म, बीच वाली टर्म, मिडल टर्म में 10 और 15 आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पीछे, तो ये आप इंट्रो में लिख लीजिए, ये वाला इंट्रो पार्ट। एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया कि प्रोपोर्शन में किस तरह से दी जाएगी चीज, और डिफाइन में छोटी सी डिफाइन है उसको भी आप लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा गलत हो गया था तो आप ठीक लिखना उसको, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पहले आपकी बुक में रीड करेंगे और उसके बाद उसको गिवन और सॉल्यूशन पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 12.2, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शंस। अब ये चार चार नंबर दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है ये प्रोपोर्शन में लगे हुए हैं या नहीं। तो जो हमने एग्जाम्पल अभी पीछे सॉल्व किया था ना इंट्रो पार्ट में, सेम वैसे ही हमने बताना है। पहले इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो 3 पार्ट मैं कराऊंगी, 3 पार्ट आप होमवर्क में करने वाले हो, ठीक। तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, पार्ट्स इसमें ज्यादा हैं, लेकिन सेम सेम फॉर्मूला, सेम सेम मेथड ही अप्लाई करना है।
तो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन। तो मैंने पार्ट वन का क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको करने वाले हैं, प्रपोर्शन में है या नहीं वो बताना है। तो 15:45 इक्वल्स 40:120। ठीक है, अभी तो हमने पहले इसको फाइंड करना, उसके बाद बताएंगे ना ये वाला प्रोपोर्शन, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल है तभी तो प्रोपोर्शन होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो प्रोपोर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 15/45 40/120 कट हो गया। ठीक है, यहां पर 5 3 15 5 9 45 3/9 4/12 था, 4 1 4 4 3 12। अब आप देखो 3/ ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 3 9 1/3 इज इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स दोनों रेशियो इक्वल हो गए, टू रेशियोज आर इक्वल, टू रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, दोनों रेशियो इक्वल हैं हमारे। इसके बाद अब हम लिखेंगे 15:45 प्रोपोर्शन 40:120 आर इन प्रोपोर्शन। बस यही लिखना है, अगर आपका ये दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे तो आपका प्रपोर्शन में है, अगर आपका नहीं आएगा इक्वल तो आपका प्रपोर्शन में नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट जो है आपका फिनिश हो गया, अब क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 33:121:9:96 33:121 इज इक्वल टू 9:96 अपॉन में लिखेंगे अब हम इसको 33:121 इज इक्वल टू 9/96। ठीक है, अब इसको डिवाइड करूं तो मैं 3 से कर सकती हूँ, 3 3 9 3 3 9 3 2 6 11 3 33 और 11 1 11 11 1 11 3/11 3/32। अब ये भी सेम टेबल में नहीं आता और ये भी सेम टेबल में नहीं आता, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन आप ये वाला डालोगे, नॉट इक्वल का, इक्वल्स टू में तो आप इक्वल्स टू का साइन डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पर नॉट इक्वल है तो ये वाला आप साइन डालोगे और इसमें आप लिखोगे 33:121:9 and 96 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। दैट्स इट, इतना लिख दोगे बस। अब आपके पास एग्जाम्पल हो गया कि प्रोपोर्शन होगा तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर प्रोपोर्शन में होगा तो ऐसे लिखना है, अगर प्रोपोर्शन में नहीं होगा तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन सी पार्ट 24:28:36 and 48 24:28 इज इक्वल टू 36:48 24/28 इज इक्वल टू 36/48 कट करेंगे 24 और 28 किसी एक ही टेबल में आना, 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4 8 ठीक है, 2 1 2 2 8 16 2 2 4 2 4 8 तो यहाँ पर इसका पार्ट करती हूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास बचा 12/14 इज इक्वल टू 18/24 अगेन 2 से जाएगा ये। ठीक है, अगेन 2 से जाएगा, 2 6 12 2 7 14 2 9 18 2 1 2 2 2 4 अब ये 9/12 है तो ये भी 3 से कट हो रहा है। अभी आप देखो 3 3 9 और 3 4 12 3/4 यहां पर बचा मेरे पास 6/7 यहां पर बचा मेरे पास 3/4 तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे 24:28:36:48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन।
तो मैंने तीन पार्ट्स आपके कर दिए हैं, बाकी तीन पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं। क्वेश्चन नंबर वन डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन एफ पार्ट होमवर्क में है आपके, ठीक है। तो सी पार्ट भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, नॉट इन प्रोपोर्शन का था। बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, नॉट इन प्रोपोर्शन का था। ए पार्ट जो हमने सॉल्व करा था वो प्रोपोर्शन का था। तो आपके पास एग्जांपल्स आ गए हैं, मेथड यही रहेगा अगले तीन पार्ट्स में भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन फिनिश करते हैं और लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, ट्रू और फॉल्स लिखना है इन स्टेटमेंट्स को। अगेन इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम इन स्टेटमेंट्स को और बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इसको हम रेशियो में सॉल्व नहीं करेंगे। अब एक्सट्रीम और मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम बताएंगे, एक्सट्रीम और मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बताएंगे। आंसर सेम है तो इनका जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, आंसर सेम नहीं होगा तो इनका स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। और इसमें भी सिक्स पार्ट्स हैं, सी ए बी सी और डी ई एफ। तो तीन पार्ट्स होमवर्क में, तीन पार्ट्स क्लासवर्क में। अभी हम ए बी सी करते हैं, उसके बाद डी ई एफ जो है आप होमवर्क में करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, फर्स्ट पार्ट को अब करना कैसे है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म पहली और फोर्थ, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 30, प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म हमें पता है 24 और 20, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि आंसर सेम आता है या नहीं। 0, 0, 6, 3, 18, 1 और 3 और 1, 4, 480 आ गया, इज इक्वल टू 480। और 24 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0 और 4 टू द 8, 4, 480। तो हमारे दोनों आंसर आ गए 480, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे है कि ये ट्रू है, तो हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट 16 रेशियो 24 प्रोपोर्शन 20 रेशियो 30 इज ट्रू। यहां पर आपका पार्ट वन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर टू का, क्लियर। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट का क्वेश्चन है 21 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 35 रेशियो 10। अगेन वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, क्लियर, ठीक। एक्सट्रीम टर्म कौन सी हो गई, 21 और 10, 21 मल्टीप्लाई बाय 10। और ये दोनों मिडल टर्म्स हो गई 6 और 35, 6 मल्टीप्लाई 35। ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगी तो 210 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई 6, 5 द 33 और 6 थ्री द 18, 19, 20, 21, क्लियर। तो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे अब, गिवन स्टेटमेंट 21 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 35 रेशियो 10 इज ट्रू। यहां पर हमारा बी पार्ट भी हो गया, ठीक। अब हम सी पार्ट करेंगे, 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शन 28 रेशियो 12 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, ठीक। एक्सट्रीम टर्म 12 and 12, मिडल टर्म 18 and 28,
ठीक है, हर बार यही लिखना, चेंज नहीं होगा, ठीक है। 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है, 2 टू द 4, 2 वन द 2 और 1 टू द 2 और 1 वन द 1, 144 आ गया, ठीक। यहाँ आ जाएगा 144 और 18 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एट द 64, 6, 14, मल्टीप्लाई 8 टू द 16, 1 कैरी, 1 कैरी 2 और 1 3, 4, 0, 3, 4, 5, 5, 0, 4. अब देखो, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट 12:8 प्रोपोर्शन 28:12 इज फॉल्स। यहां पर सी पार्ट भी फिनिश हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट होमवर्क में रहेगा, सेम इसी की तरह दोबारा आप चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, उसमें दोनों को मल्टीप्लाई किया एक्सट्रीम और मिडल टर्म्स को, तो ट्रू आंसर आया, इक्वल्स थी दोनों, ठीक है, दोनों ये इक्वल्स थी। और यहाँ पर बी पार्ट में हमने जब इन दोनों को एक्सट्रीम और मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई करा तो ये भी इक्वल थी हमारी, ठीक है, लेकिन सी पार्ट में जब हमने एक्सट्रीम और मिडल टर्म को मल्टीप्लाई करा तो हमारी इक्वल नहीं थी, तो नॉट इक्वल, और इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। इसी तरह से आप डी, ई और एफ पार्ट को भी सॉल्व करके ट्रू और फॉल्स बताएंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 12.2, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसमें भी बताना हमें ट्रू है या फॉल्स है, जैसे 40% ratio 200% और इक्वल्स टू, बताना है इक्वल्स होगा तो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा, नॉट इक्वल होगा तो ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके प्रॉपर हम बताएंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 और इसके हैं 5 पार्ट, तो इसमें भी मैं 3 पार्ट्स कराने वाली हूँ, 2 पार्ट्स आप होमवर्क में ही करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, इसके अंदर देखो पर्सन पर्सन है और दूसरी साइड रुपीज रुपीज है, तो रेशियो दे रखी है, हम अपॉन में लिख लेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, और यहाँ पर 15/75 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको डिवाइड, तो ये तो कट जाएगा 0 से 0, ठीक है, और इधर मैं इसको डिवाइड करने वाली हूँ 5 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से, इसको डिवाइड करेंगे 4 से और इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 को 4 से डिवाइड करा 1 और 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 5 द 20 और 5 3 द 15 और 5 1 द 5, 5 5 द 25, ठीक है। अगेन ये डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। अब देखो एक बात देखो, ये 1 और 5 एक टेबल में नहीं आते, तो इसका आंसर यही रहेगा 1/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/5, जब आप डिवाइड करोगे यही आंसर आने वाला है। अब आप यहाँ पर देखो दोनों आंसर इक्वल्स हैं और हमें यही बताना है कि ट्रू है या नहीं, तो जब दोनों आंसर इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा ट्रू, बस आपको यही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है और क्वेश्चन है 7.5 liters ratio 15 liters इज इक्वल टू 5 kg ratio और 10 kg, तो यूनिट्स तो हमारी सेम है, इसके अंदर यूनिट्स हमारी सेम है, तो ये हो जाएगा 7.5/15 इज इक्वल टू 5/10, क्लियर। अब इसको डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ सीधा 15 से और इसको भी डिवाइड सीधा 15 से, ठीक है। इसको मैं डिवाइड नहीं करूंगी, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब देखो 0.5/1 इज इक्वल टू, और इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी तो नीचे नंबर ऑफ जीरोस 1 है, तो ये भी 0.5 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0.5 और 0.5 इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट ट्रू, क्लियर। मैंने इसको सीधा पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, 99 kg ratio 45 kg इज इक्वल टू ₹44 ratio ₹20। अब 99/45 इज इक्वल टू 44/20, अब डिवाइड करेंगे इसको,
ये होगा डिवाइड 5 से या 3 से, 3 से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3, ये होगा डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, 4 से भी हो सकता था ये डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 द 9 और 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 5 द 15 इज इक्वल टू 2 2 द 4, 2 2 द 4 और 2 10 द 20। अब यहाँ पर अगेन ये 3 से होगा और अगेन ये 3 से होगा और यहाँ अगेन 2 से होगा और अगेन 2 से हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 5 द 15 इज इक्वल टू 2 1 द 2, 2 1 द 2 और 2 5 द 10, तो ये भी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अभी मेरे तीनों पार्ट्स में ट्रू स्टेटमेंट निकली है। अगर आपकी बाय चांस ये इक्वल नहीं आएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। तो ये सी पार्ट था, ये बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए पार्ट था। सॉल्व आपने सेम ही मेथड से करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर इक्वल टू में आंसर नहीं आता तो आपका जो है वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और होमवर्क में आपके पार्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट जो है होमवर्क में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 12.2 और इसके बाद ये एक्सरसाइज डन हो जाएगी, 12.2 डन बाय योर टीचर द्विंदर कौर। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। इसमें भी हमें वही बताना है सेम, और इसमें हमें मिडल टर्म्स लिखनी है कौन कौन सी हैं और हमें लिखना है एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं, बस इसमें यही करना है। लेकिन हमें इसमें डिटरमाइन करना है, मतलब येस और नो में बताना है कि प्रपोर्शंस में है या नहीं है। अगर होंगी और नहीं होंगी तब भी हमें मिडल टर्म्स और जो है एक्सट्रीम टर्म्स बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अब देखो ये रेशियो जो यूनिट्स हैं ये सेम नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज 40 और रेशियो रुपीज 160, बाकी तो मेरी सेम यूनिट्स हैं सारी, ठीक है। इसको भी हम इज इक्वल टू में निकालना है क्योंकि डिटरमाइन करना है हमें। तो अब मैं जो है इसको डिटरमाइन करूंगी तो इसमें आ जाएगा 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 40 अपॉन 160। जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 25 और डिवाइडेड बाय 25, टेबल्स लर्न कर लो अगर नहीं आते तो, ठीक है। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करा 1 आ गया और 4 को 16 से डिवाइड करा तो 16 आ गया। दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब तो ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट 25 रेशियो 100 प्रपोर्शन 40 रेशियो 160 इज इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है, ठीक है। पहले तो हमने ये लिखना है, इसके बाद अब हमने क्या लिखना है, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। तो हम लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू कौन कौन सी होगी इसमें एक्सट्रीम टर्म, 25 और 160 और मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी इसमें 100 एंड 40। बस इसमें यही था, ए पार्ट में सिर्फ इतना ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है आपका 39 लीटर रेशियो 65 लीटर एंड 6 बॉटल्स रेशियो 10 बॉटल्स, ठीक। अब अगेन इसमें सारी यूनिट सेम है, हमें क्या करना है 39 अपॉन 65
और यहां पर हो जाएगा 6/10। डिवाइड इसको आप करेंगे 13 से और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 3 6 2 5 10। तो ये हो जाएगा 13 3 39 और 13 5 65 इज इक्वल टू 2 3 6 और 2 5 10। आपकी इक्वल हो गई ये स्टेटमेंट भी। अब आप इसमें क्या लिखने वाले हैं, गिवन स्टेटमेंट 39:65 प्रोपोर्शन 6:10 इज इन प्रोपोर्शन, ठीक। और इसमें लिखेंगे आप एक्सट्रीम टर्म कौन कौन सी है, 39 और 10, और मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी 65 एंड 6। यहां पर आपका बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट आपका होमवर्क में है। अगर आपकी कोई टर्म इक्वल नहीं निकलती सी और डी में तो आपको मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ नॉट इक्वल आ जाएगा तो आपको मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 12.2 डन हो गई बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। If you have any doubt, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care. Question number 4 का B part इतना ही था और question number 4 का A part इतना ही था।